पीआईएल मैनेज करने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार किए गए झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की रिमांड अवधि 4 दिनों की और बढ़ा दी गई है। रांची पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से 6 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड की ही मंजूरी दी है। बता दें कि अधिवक्ता राजीव कुमार को बीते 31 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर रांची के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में बीते 18 अगस्त को पेशी हुई थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी आकाश के साथ। आकाश, राजीव कुमार की जो अवधि है रिमांड की, वो 4 दिनों की बढ़ा दी गई है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, राजीव अधिवक्ता हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की जो रिमांड की अवधि है उसे 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। कल राजीव कुमार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से ईडी ने राजीव कुमार की रिमांड मांगी थी और ईडी कोर्ट ने इसकी दलील को सुनते हुए फिलहाल उन्हें 4 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि राजू 50 लाख कैश के साथ कलकत्ता से पकड़े गए थे, जिसके बाद से वो लगातार ईडी के रडार पर हैं और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि राजू कुमार के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं। तो एक बार फिर से राजू से 4 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी और कई खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है और कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। जी, अब जिस तरीके से ईडी की पूछताछ चल रही है आकाश, तो कई अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं और कई कुछ जो मतलब राज जो है उस पर से पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल खुशबू, अधिवक्ता राजीव कुमार से जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसमें कई ऐसे लोगों के नाम आए हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। ईडी उन लोगों को एक एक कर बुलाएगी और पूछताछ करेगी। अब फिलहाल जो 4 दिनों की रिमांड ली गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी ऐसे कई राज जो अभी ईडी जानना चाहती है राजीव कुमार से, उसकी वो उनसे समझना चाहती कि और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है और ये पैसा जो लिया गया था क्यों लिया गया था, किसके इशारे पर लिया था और कौन कौन इसमें शामिल है, जिसको लेकर के 4 दिन अभी जो रिमांड मिली है जो आज से शुरू हो रही है। तो ईडी उनसे कहीं ना कहीं इन सारे मामले पर पूछताछ करेगी और ये संभावना है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। पूरे मामले में ईडी ने व्यवसायी अमित अग्रवाल जो था उसको भी समन भेजा गया था ईडी की ओर से। वो जो व्यवसायी अमित अग्रवाल हैं जिनको कहा जा रहा था कि पीआईएल मैनेज को लेकर के ये पैसा का लेन देन हुआ है, तो ईडी ने उन्हें भी सम्मन देकर बुलाया था, उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद राजीव कुमार को फिर से 4 दिनों का रिमांड पर लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ठोस जानकारी मिली है ईडी को कि उन्हें फिर से राजीव कुमार को 4 दिन की रिमांड पर लेना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी देखना होगा कि जो 4 दिन की। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ईडी ने अधिवक्ता राजीव कुमार को 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। पहले ईडी की ओर से इस जब कोर्ट में पेशी हुई तो उस दौरान 6 दिनों के रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन ईडी कोर्ट ने सिर्फ 4 दिनों की रिमांड